27 to 28 का CNG पे माइलेज। गाड़ी लेने से पहले लोगों ने बहुत ही डिमोटिवेट किया था कि अच्छा टाटा की गाड़ियों का फीडबैक अच्छा नहीं है, इसका इंजन अंडर पावर्ड है। और ये गाड़ी CNG भी है, हाँ तो जी 1 लाख तो CNG के ही एक्स्ट्रा हो गए। ऑलमोस्ट 8,000 के हिसाब से काफी अच्छे हैं यार सीट कवर साहब। हेलो सौरभ भाई, कैसे हैं आप? हेलो आशीष भाई, कैसे हैं? बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार आपकी नई कार के लिए। थैंक यू। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको गाड़ी कितने की पड़ी? ये ऑलमोस्ट 9 लाख एक्सेसरीज वगैरह लेके 9,27,000 या सैंतीस नौ हजार लाख 27,000 इसमें सैंतीस एक्सेसरीज हजार भी है, सैंतीस हजार एक्सटेंडेड वारंटी भी है, हाँ और आपका बेसिक किट भी है, हाँ और ये गाड़ी CNG भी है, हाँ तो जी 1 लाख तो CNG के ही एक्स्ट्रा हो गए। ऑलमोस्ट तो ये सारा मिला के आपको ये पड़ी है 9,27 की, हाँ 9,37 इंक्लूडिंग एक्सटर्नल नौ एक्सेसरीज वगैरह सारा सैंतीस कुछ। चलिए जी बहुत अच्छा। अच्छा तो आप कितने दिन से गाड़ी चला रहे हैं ये वाली? ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए दो पूरे। हाँ महीने हो गए। जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये जानना चाहेंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी के अब साथ? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। राइड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ है। सबसे अच्छा जो इसका मुझे लगा, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। तो सस्पेंशन बहुत अच्छा लगा, बाकी इंजन की पावर वगैरह, जैसे कि 3 सिलेंडर इंजन है ये और आप CNG में भी हाँ चला रहे हो, तो चलने में कैसी है गाड़ी? मुझे गाड़ी लेने से पहले लोगों ने बहुत ही डिमोटिवेट किया था कि अच्छा टाटा की गाड़ियों का फीडबैक अच्छा नहीं है। लोग हाँ ये कहते थे कि हाँ इसका इंजन अंडर पावर्ड है। कि हम लोग मीडियम क्लास फैमिलीज हैं, हमें कोई इतनी ड्रैग रेसिंग तो करनी नहीं है, हमें फैमिली की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, विथ अच्छी बेटर क्वालिटी राइड क्वालिटी। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि इसमें इंजन अंडर पावर्ड है। एक चीज़ लोग कहते हैं कि इसमें CNG पे जब हम गाड़ी ऑपरेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इंजन लैग कर रहा है और अंडर पावर फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल मुझे जो चलाने में फील हुआ उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि CNG पे इसका इंजन अंडर पावर फील हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि आप CNG पे चलाइए और इमीडिएट मोड पे जब भी स्विच करना चाहें पेट्रोल पे, तो स्विचिंग भी ऑलमोस्ट बहुत ही स्मूथ है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने CNG से कब स्विच किया पेट्रोल पे और पेट्रोल से कब स्विच किया CNG में। जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपने कंपैरिजन किस किस गाड़ी से किया? इसका बेसिकली 4 गाड़ियों से ही किया मैंने। एक तो डिजायर जो मेरे पास ऑलरेडी थी, एक होंडा अमेज, और तीसरी जो है एक्सेंट प्राइम होंडा की। एक्सेंट प्राइम, हाँ ये जो होंडा ही हुंडई थी, एक्सेंट आती है। होंडा ही थी। चलिए ठीक है जी, तो उसमें आपको सबसे अच्छी ये लगी? हाँ मतलब ये चारों ही गाड़ियों में किसी की भी सेफ्टी रेटिंग, एनकैप सेफ्टी रेटिंग अभी तक अवेलेबल तो नहीं है। हाँ ये सेफ्टी में तो हाँ नंबर 1 है टाटा, ये तो वेल तो नोन है। सेफ्टी आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और इन टिगोर का या टियागो का केबिन बिल्कुल इंटैक्ट रहा है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नो डाउट ये सेफ्टी फीचर्स इसमें अच्छे हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये गाड़ी खरीदी तो आपको सेल्स का एक्सपीरियंस भी हुआ, आप एक सर्विस भी करा चुके हैं तो आपको सर्विस का भी एक्सपीरियंस है, तो टाटा ये की सेल्स और सर्विस का बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी कल ही इसकी सर्विसिंग करा के आया हूँ। पहली सर्विसिंग जो 2 महीने या 2,000 किलोमीटर से नीचे कराते हैं, तो मुझे बिल्कुल जीरो कॉस्ट, मतलब कोई एक्सपेंस नहीं आया इसका। और सेल्स सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अच्छा माइलेज के बारे में बताइए, CNG पे क्या माइलेज मिल रहा है और पेट्रोल पे क्या माइलेज मिल रहा है? हाँ वही चीज़ मैं बताना चाहता था कि हम जो कह रहे थे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है हमारे लिए माइलेज। क्योंकि हमारा एक बजट महीने का आफ्टरऑल माइलेज पे डिपेंड करता है। तो CNG से यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जो लॉन्ग ट्रिप पे जो मैंने ऑलमोस्ट चेक किया है वो 27 to 28 के बीच में रहा ओके, है। लॉन्ग टर्म ड्राइव में 27 to 28 का 28। CNG पे हाँ जी माइलेज। हाँ जी। अच्छा पेट्रोल पे कुछ चेक किया आपने? अब पेट्रोल पे अभी तो मैंने चेक नहीं किया, ठीक है यूजिंग ऑलमोस्ट बहुत ही ना के बराबर यूज़ किया है पेट्रोल ड्राइव। ठीक CNG है, पे यूज़ कर रहा हूँ और चलिए बहुत भी ही बेहतर, मतलब इकोनॉमिकल मुझे लग रहा है। ठीक है। और इसमें मैं सिटी ड्राइव भी करता हूँ, तो उसमें 24 से 25 का मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मैंने चेक किया वो आ रहा है बहुत ओके इजीली। ओके। अच्छा इसमें आप ये चीज और बताइए कि आपने एक्सेसरीज क्या क्या लगवाई है? उनका 14,000 का कुछ पैकेज था। पैकेज में पहली एक्सेसरीज जो इसके सीट कवर्स थे। हाँ अच्छा सीट कवर, सीट कवर्स कितने के थे? लगभग 8,000 के आसपास था।
8,000 के हिसाब से काफी अच्छे हैं यार सीट कवर्स आपके, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता ही है आपका। अगर हाँ, हम आप एजेंसी में जाएंगे तो एजेंसी मार्केट से रेट लेते से हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव, बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि इतने में तो आपको बाहर से बहुत ही अच्छा मिल जाता, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एजेंसी से मैंने प्रीफर किया लेना। ओके ठीक इसमें है। और क्या एक्सेसरी लगवाई है? मैट भी शायद आपने हाँ, अंदर से ही लगवाए हैं। इसमें मड फ्लैप है, ये आपका मैट हो गया 3D मैट, सॉरी 7D मैट है शायद से, हाँ ये 7D प्लस 3D दोनों ही लगा दोनों रखे दोनों हैं। ही लगा रखा है मैंने। अच्छा, ये आपने जो आर्म रेस्ट लगवाया हुआ है ये कंपनी से लगवाया है, शोरूम से लगवाया है? नहीं, ये तो मैंने बाहर से लिया है, ओके ठीक कंपनी में इसका वो लोग बोल रहे थे कि 5,000 में लगाएंगे, बट ये मैं मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया, एक कितने रुपए में लोकल मिल गया? लोकल दुकान पे ये 750 का ऑलमोस्ट मिल गया। 750 और रुपये बहुत हाँ, अच्छा मिल और गया। ये बहुत ही बढ़िया है। आपको 750 रुपये में आपको इसके साथ मिलता है एक USB चार्जर मिलता है। हाँ, अच्छा, इसमें चार्जिंग सॉकेट भी है अंदर? इसमें चार्जिंग सॉकेट भी है, एक सेकंड में दिखा, एक चार्जर मिला इसके साथ। ओके इसमें एक्सटेंडेड चार्जर्स हैं, चार तीन इधर की तरफ हैं और दो पीछे की तरफ हैं, तो ओके। आप आगे और पीछे आराम से अपने मोबाइल और डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये हाँ स्टीरियो भी तो लगवाया आपने? हाँ मैंने इसमें हरमन के मिले थे मुझे। चाबी शायद बाहर है इसलिए नहीं हो रहा है। आ जाएगा आप। अच्छा, तो ये आपने अपने हाँ, स्टीरियो इसका सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे हरमन का मिला था, जिसमें डिस्प्ले नहीं था, क्योंकि वो टॉप वाले में था ऑप्शन। ये मिल XZ है, XZ प्लस में वो था पूरा, तो मैंने इसको चेंज कराया। ये 29,300 रुपये का मुझे पड़ा था। ठीक है, बाहर का बता दीजिए, बाहर क्या क्या लगवाया है बाहर आपने? डोर वाइजर्स, हाँ, डोर वाइज। ये डोर वाइजर्स हैं, हाँ, ये डोर के सेफ्टी के लिए एक वो पैकेज में ही था। बीडिंग हाँ, ये साइड में सेफ्टी के लिए साथ में दिया था, कितने रुपए की है जी? ये 14,000 के पैकेज में ये सारा कुछ ही था। बाकी परफ्यूम वगैरह ये किट हाँ, में ही है? ये चीज़ें इसके साथ मिली थी मुझे, तो ये गाड़ी के सीट कवर्स भी थे पैक में, बहुत ही ओके अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है। चलिए जी, आपको अच्छा पैकेज मिला है, अच्छी गाड़ी मिली है और ये अच्छी डील मिली है, आई वुड से। और मुझे ये एक हेडरेस्ट मिला, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। बाहर से लेने जाएंगे तो सस्ते भी मिलते हैं थोड़े, बट ये मेमोरी फोम है तो ये क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। हेडरेस्ट ओके तो ये चारों सीट्स के लिए? नहीं, ये सिर्फ एक ही ड्राइवर सीट के लिए, एक की है और इसके साथ ये पैक मिला पड़ा। ओके ओके। और आप क्या बताना चाहेंगे गाड़ी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? एक्सपीरियंस जैसा लोगों ने मुझे डिमोरलाइज किया था, उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस अभी तक मुझे फील हुआ। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ इसमें। अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो मुझे ऐसा फील हो कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। बढ़िया है। ऑल राइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।